यानी 37.8 के ऊपर ये ऑफ हो जाता है और 37.3 के ऊपर ये ऑन होता है। तो इसको अगर हम मज़ीद प्रेस करके रखें तो फिर क्या होता है, ये देखें ये P0 आ गया। ठीक है, तो P0 को के बाद ये P1 आ गया, ये देखें ये P0 आ गया। P0 के ऊपर अब सेट करते हैं ये H पहले, यानी H फॉर हीट है, यानी हीट मोड में हम इसे ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम इसको दबाते हैं, P0 आ गया, और फिर हम दबाते हैं प्लस का बटन तो P1 आ गए। अब P1 के ऊपर देखें, अब इसने टॉलरेंस कितनी एडजस्ट की है, 0.5, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, 0.2 में, ताकि हमारा बल्ब मुसलसल आना होता रहे, टेम्परेचर 37.5 के ऊपर एडजस्ट रहे। अब हम इसको सेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। ये देखें, अब हमने 37.9, यानी 37.5 तो आइडियल है ना, जो इनक्यूबेटर के अंदर का टेम्परेचर होना चाहिए। अब जो 22 होकर डिजिटल थर्मोस्टेट शो कर रहा है, ये 37.8 है, और बल्ब भी आप देखें ये, यानी 0.2 की टॉलरेंस है जस्ट, 37.9 से लेके 37.9 पे ये ऑफ हो गया, और ये 38 पे भी जा रहा है, फिर 0.8 पे आ गया, यानी 0.7 पे ये एकदम से ऑन हो जाएगा। देखिए 0.898, यानी 0.2 की टॉलरेंस हमने रखी है, ताकि देखें 37.7 0.6 के ऊपर ये ऑन हो रहे हैं, इसकी जो रेंज बनी है वो 37.8 से 37.6 पे, यानी 0.2 की हमने रेंज रखी है, ताकि बल्ब 37.7 पे ऑन हो जाए और 37.9 पे ऑफ हो जाए। किसी को फ्लक्चुएशन आती है रीडिंग में, लेकिन आइडियल केस में इसकी रेंज 0.2 ही एडजस्ट की है। ये इसलिए की है, तब देखें बाजू टेम्परेचर है वो 37.76 यानी 38 तक जा रहा है, लेकिन जो हमारे इनक्यूबेटर का इनर का टेम्परेचर है वो अभी भी 37.5 तक नहीं जा रहा, तो उसको एडजस्ट करने के लिए उस ह्यूमिडिटी को भी 65, जो कि आइडियल बताई जाती है, या 60% उस पर मेंटेन करने के लिए ये सारा सेटअप किया जा रहा है। अब देखें इनर का टेम्परेचर अब ये इंक्रीज होना शुरू हो गए, अब ये 36.4 के ऊपर आ रहा है अभी भी, तो इसको अगर हम मैक्सिमम वे करते हैं तो ये 36.5 पे चला गया। अब ये आस्ते आस्ते इंक्रीज हो जाएगा, और इसको असूली तौर पर 37.5 के ऊपर होना चाहिए। तो इसको सेटिंग को भी हम देखते हैं कुछ दिन लगा के, तो ये अगर आप ह्यूमिडिटी भी देखें तो ये 66% है, जो कि आइडियल के बहुत करीब है, 65% या 60% जो ये आइडियल कंसिडर की जाती है। ये देखें, अभी ये 37.8 के ऊपर ऑफ है, 38 पे चला गया, 0.9 पे आ गया, 0.8 पे आ गया, क्योंकि मैंने बॉक्स ओपन किया, तो इस वजह से टेम्परेचर में ज़्यादा फ्लक्चुएशन आ जाती है। यानी इसमें हमने सिर्फ P0 को H के ऊपर सेट करना है, और P1 की सेटिंग है वो हमने 0.2 के ऊपर एडजस्ट की है। यानी बाकी जो पीज हैं, यानी P0 है, 1, 2, 3, उसको हमने
बिल्कुल टच नहीं किया और ना ही जरूरत पड़ती है हमें। ये देखिए 37.6 पे यानी ये ऑन हो रहा है और 37.89 पे ये ऑफ हो जाता है। तो आज की वीडियो इतनी, तो मज़ीद डिटेल के लिए नेक्स्ट टाइम देखेंगे, फिर देखते हैं कि इनक्यूबेशन का रिजल्ट कैसा आता है। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा ये देखें आप, ये मैंने इसमें कुछ एग रखे थे इनक्यूबेशन के लिए। ये तो आपको पता ही, हमारा इनक्यूबेटर का सेटअप है। इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करूं कि ये देखें, ये पानी, असल में कुछ अंडे जो थे जो कि इनक्यूबेशन के करीब हैं, उन्होंने डार्ट्स बना दिए ना अंडों के छिलकों के ऊपर, क्योंकि चूजे बाहर निकलना चाह रहे थे, तो जिसकी वजह से ना कीड़ियाँ जो हैं छोटे छोटे वो बहुत ज़्यादा इस बॉक्स के ऊपर आना शुरू हो गई थी। इस वजह से इसको मैंने इस ये टेबल के ऊपर रखा, प्लास्टिक का टेबल है, नीचे इसके पाँव में ये छोटा सा ढक्कन रखा है, इसके अंदर पानी डाला है ताकि ना जो कीड़ियाँ वगैरह हैं वो अंडों के अंदर ना जाएँ, क्योंकि अंडों के अंदर कुछ ना कुछ निमकियात वगैरह होती हैं, तो अंडे की जो उसका पानी होता है अंडे के साथ लगा होता है, इसलिए कीड़ियाँ बहुत ज़्यादा छिलके के अंदर जाने की कोशिश करती हैं और चूज़ों को खराब करती हैं। देखें इसके तकरीबन चारों पाँव में मैंने ये सेटअप किया ताकि जो कीड़ियाँ वगैरह हैं वो टूटे हुए जो अंडे हैं, क्योंकि अब चूज़े निकल रहे हैं बारी बारी, तो को तंग ना करें। तो ये आप देखें, ये देखें, अब ये अंडा था, ये देखें इसमें से ये अंडा देखें, ये तकरीबन मैंने अब ये अंडा टूट चुके, हाँ ये 29 अगस्त को मैंने रखा था, तकरीबन सुबह बल्कि हाँ 3:30 बजे शाम को पहला अंडा था जो मैंने रखा था इसमें। तो ये देखें इसकी इनक्यूबेशन हो गई है, ये इसका छिलका है, और आप देखें इधर से जो चूज़ा निकला है, ये देखें ये माशाल्लाह से ठीक है चूज़ा, ये देखें ये भी बहुत वीक है, ये अभी पहले दिन के, ये आप देखें और इसी तरह ये दूसरा चूजा जो निकला है, ये आप देखें, ये मैं कह रहा था कि जब ये चूज़े निकलना शुरू होते हैं ना तो ये छोटे छोटे डार्ट्स बनाते हैं ना अंडों के ऊपर, जिस वजह से कीड़ियाँ जो है ना इनकी तरफ बहुत ज़्यादा रश करती हैं, तो इसलिए उनको बचाने के लिए मैंने ये सेटअप किया। इसको ऐसी जगह पर रखा जहाँ पे एक तो बॉक्स को ऊंचा करके रखा, दूसरा के पाँव में पानी रखा ताकि कीड़ियाँ ना ऊपर चढ़ें। तो ये देखें ये 30 अगस्त को मैंने से मैंने रखा था, और ये देखो तो दूसरा अंडा था जो मैंने रखा था यहाँ पे, ये देखें ये दूसरा चूजा है, देखें जिस तरह अंडे की जर्दी येलो होती है, ये इस तरह का येलो शेप है, यानी एक दिन के वक्फे से रखे थे लेकिन दोनों की जो इनक्यूबेशन है वो आज ही हुई है एक ही दिन में। देखते हैं 3 नंबर है जो है, ये 3 नंबर है,
इसमें से अभी तक कोई क्रैक वगैरह नहीं पड़े। तो बाकी ये कंडा है, ये आज निकला है, तो इसके ऊपर भी नंबरिंग करनी है। देखें, कल हमने 12 नंबर एग रखा था, तो आज जो है ये 13 नंबर एग गया। और अभी भी इस बॉक्स में देखें काफ़ी स्पेस बन गई है, 5-6 अंडे और भी रखे जा सकते हैं। तो ह्यूमिडिटी देखें काफ़ी कम हो रही है, 55 या 60 तक होनी चाहिए, या 65 या 70 होनी चाहिए आखिरी दिनों में। टेम्परेचर भी 95.5 से ज़्यादा हो गया, तो इसको भी एडजस्ट करते हैं। तो इसको एडजस्ट करने के लिए देखें यहाँ पे ये 40 पे वैसे ट्रिगर होगा, इसको हम काम कर लेते हैं, ये 39.5 पे ट्रिगर कर देते हैं। ये डिग्री सेंटीग्रेड में आ रहा है, लेकिन जो अंदर वाला टेम्परेचर है ये फॉरन हाइट में आ रहा है, तो ये भी थोड़ी देर बाद एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि फॉरन हाइट में स्केल ज़्यादा होते हैं और इस वजह से उसकी एक्यूरेसी भी ज़्यादा होती है। ये देखें इनको लग करके रखें, तो ये 21 दिन बाद खुद ही अंडे से बाहर निकल आए, तो अभी कुछ दिनों में ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। जब ये पहला दिन है इसलिए भी बहुत वीक हैं।